गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हमने ईवीएस में एआर चैप्टर को पढ़ लिया था और समझ लिया था। आज हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड एयर, हमको हवा की ज़रूरत क्यों होती है। तो आप सबको पता है कि अगर एयर ना हो तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और सारे एनिमल्स ह्यूमंस क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर बर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। हमारे कपड़ों को सुखाने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर है वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, बर्निंग एंड टू ड्राई आवर क्लॉथ्स। किस किस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत है? ब्रीदिंग के लिए, बर्निंग के लिए और हमारे कपड़ों को सुखाने के लिए। आप कुछ और जो है एग्जांपल्स लिख सकते हैं जहाँ एयर का यूज होता है। ओके चिल्ड्रंस, आ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, मतलब हवा की कोई तीन विशेषताएँ लिखे। तो हवा की विशेषताओं की, एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानते हैं। वी कैनॉट सी एयर, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, हवा हमारे चारों तरफ होती है। तो वी कैनॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, हम लोग स्मेल भी नहीं कर सकते और हम हवा को टेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू थिंग्स यू शुड डू टू गेट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताइए। तो पहला हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनी विंडोज़ और डोर्स को ओपन रखना चाहिए, पढ़ा था हमने चैप्टर में। उसके बाद हमें कभी भी अपने फेस को सोते समय रात में कवर नहीं करना चाहिए। खेलने के लिए गार्डन या पार्क में जाना चाहिए, ओपन एरिया में जाना चाहिए। हमको प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के आसपास में, ठीक है, और पर डे मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। तो इसका आंसर है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली एंड प्लांट मोर ट्रीज अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास और सारे पेड़ पौधे लगाइए। क्वेश्चन फोर इज व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों लगाना चाहिए। आजकल देख रहे हो बच्चों आप लोग कि बस गाड़ी ये सब व्हीकल्स की वजह से कितना पोल्यूशन होता है ना, ठीक है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमको ट्रीज लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ जो है, ट्री से हमको फ्रेश और क्लीन एयर मिलती है और ट्री से हमको ऑक्सीजन भी मिलती है। आपको पता है एयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन हमको हेल्प करती है सांस लेने में, ठीक है। तो हमको क्यों ज़्यादा ट्रीज और ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्री मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ट्री जो है एयर को फ्रेश और क्लीन बनाते हैं और एंड ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन, और हमको ऑक्सीजन भी देते हैं। नाउ क्वेश्चन फाइव इज टिक द करेक्ट वर्ड, इसमें जो वर्ड करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। जैसे बर्निंग और स्विमिंग नीड्स एयर, हमको बर्निंग के लिए एयर चाहिए कि स्विमिंग के लिए। तो बच्चों सबको पता है हमको किस चीज़ के लिए एयर चाहिए, बर्निंग के लिए, ठीक है, ये हमारा सही है। प्लांट्स मेक द एयर प्योर या फिर इम्प्योर, ठीक है, पेड़ जो है, प्लांट्स जो है एयर को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं कि अशुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर करते हैं। स्लीप विथ योर फेस कवर्ड और अनकवर्ड, अपने फेस को ढक के सोना चाहिए या बिना ढके हुए, तो हमको अनकवर्ड, हमको अनकवर्ड जो है अपना फेस करके सोना चाहिए। एयर हैज़ अ टेस्ट और इट इज़ टेस्टलेस, तो हमको पता है एयर में कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये टेस्टलेस होती है, ठीक है, क्या होती है, टेस्टलेस होती है। एयर कॉन्टेंट्स डस्ट पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको बच्चों आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और एक अलग से वर्क है, आपको एक विंडमिल बनानी है और इस इमेज में आपको सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको कैसे बनानी है। आप अपनी कलरफुल विंडमिल बना के उसकी फोटो हमको भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों।